तो हेलो गाइस, आज मैं आपको घुमाने वाला भारत का सबसे बड़ा किला, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। गाइस यहां पर आप लोग देखते हैं, ये जो देखने को मिल रहा है यहां पर मैप के तरीके से, ये चित्तौड़ का किला है। गाइस यहां पर आप लोग देखते हैं, चलिए मैं आप लोगों को इसे दिखाता हूं। कुछ इस बार से पूरा किला बना हुआ है और किले के अंदर एक अस्त्र शस्त्र संग्रहालय भी बना हुआ है, जहां पर राजा की तलवारें, ढाल, भाला, बंदूकें और राजा और उनके सैनिक ने जो भी अस्त्र शस्त्र यूज किए थे वो उसी संग्रहालय में रखे हुए हैं, जहां का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए अब इस किले को रियल में देखते हैं। और गाइस इस किले को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। इस किले को देखने के लिए और आपको ब्लॉग वीडियो दिखाने के लिए मैं निकल पड़ा बाइक से। जब आप चित्तौड़गढ़ सिटी से महाराणा प्रताप के किले में प्रवेश करोगे तो आपको किले के साथ इस प्रकार से दरवाजे मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप और मजबूती की आज भी एक मिसाल है। देखिए अगर आप लोग किले पे घूमना चाहते तो आप यहां पर अपनी पर्सनल बाइक या फिर कार लेकर जा सकते हैं या फिर यहां से ऑटो भी कर सकते हैं। और गाइस जैसे ही आप लोग किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो किले का लास्ट गेट यही है। और गाइस इसके अंदर एक गाँव या फिर बोल सकते हैं एक बस्ती बसी हुई है जहाँ पर लोग रहते हैं। यहीं से होकर के आप लोग को जाना है किले पे। और जैसे ही आप लोग 100 से 200 मीटर इस गांव से होकर के बाहर निकलोगे तो आपको वहां पर कुछ इस बार से टिकट घर मिलेगा, जहां पर आप लोगों को टिकट कटवानी होती है किले में घूमने के लिए। एक टिकट कितना होगा? 40 रुपए का एक। दो दे दीजिए। तो ये है किले का टिकट जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और जहाँ पर मैंने अभी टिकट कटवाई उसके सामने कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अभी तक मैं इतनी ऊंचाई पर आ चुका हूँ एंड ये जो आपको नीचे सिटी देखने को मिल रही है यही है चित्तौड़गढ़। चलिए ऊंचाई पर और चलते हैं एंड अब हम जहाँ पर आए हैं इसका नाम है कुंभा पैलेस, कुंभा महल। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और ये जो दादा आपको किताबें बेचते हुए दिख रहे हैं ये महाराणा प्रताप की बुक है और इस किले की हिस्ट्री इसी किताबों में लिखी हुई है, जिनको आप लोग खरीद कर पढ़ भी सकते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस महल के अंदर घुमाना शुरू करता हूँ। गाइस जैसे आप लोग आएंगे सबसे पहले आप लोग यही महल मिलेगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग जैसे इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक गार्ड बैठा हुआ देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी टिकट वगैरह चेक करेगा। जैसे आप लोग टिकट वगैरह दिखा देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अंदर जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार का नजारा ऊपर देखने को मिलता है कुंभा पैलेस में। तो गाइस जैसे आप लोग सामने की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ पीछे गार्डन टाइप का बना हुआ, दूर तक कुछ इस प्रकार का नजारा है और दूर दूर मंदिर और महल बने हुए। गाइस ये किला 700 एकड़ में बिछा हुआ जो कि कैमरे से एक जगह से नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखेंगे इस तरफ तो यहाँ पर आप लोग देखिए वो जो आपको सामने देखने को मिला, चलिए उस पे मैं आप लोगों को जाके दिखाने वाला हूँ। वहां से आपको चित्तौड़गढ़ का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है जहाँ पर लोग आकर के फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं। चलिए वहां पर चलते हैं और आप लोगों को वहां का नजारा दिखाते हैं। चुके हैं उसी प्लेस पे जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था। गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं आने के बाद इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ जहाँ से चित्तौड़गढ़ जो सिटी है वो अच्छी तरीके से दिखाई देती है। और अगर आप लोग रील्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके अच्छी तरीके से रील्स बना सकते हैं। गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर ऐसे ऊपर आते तो यहाँ पर कुछ लोग फोटोज वीडियो क्लिक कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने कुछ लोग आए हैं जो कि फोटोज वीडियो क्लिक कर रहे हैं। गाइस मैं यहाँ पर सुबह के टाइम पर जल्दी चला गया था 10-11 बजे, तो यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं आई हुई। ऐसा बोलते हैं अगर आप लोग यहाँ पर संडे के दिन यानी कि रविवार को आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से चित्तौड़ सिटी देखने को मिलती है। जो नीचे देखने को मिले चित्तौड़गढ़ सिटी है और ये किला 180 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर बना हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ रील्स और वीडियोस वगैरह बनाई जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेसेस हैं वहाँ की मैंने रील्स बनाई है जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिल जाएंगे। इस किले को देखने के लिए फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते हैं जो कि ये बंदा दिख रहा है इन लोगों को गाइड कर रहा है इंग्लिश में। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो पीछे आपको किला देखने को मिल रहा है इसको मैंने अभी कम्प्लीट कर लिया है जो कि आप लोगों ने पीछे ब्लॉग में देखा। और गाइस अब मैं जाने वाला हूँ दूसरे किले पे, तो चलिए देखते हैं वहाँ का नज़ारा किस प्रकार का देखने को मिलता है। और चलिए चलते हैं यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये भाई की ये बाइक भी है, चलिए इनके साथ ही चल के आगे का किला देखते हैं। ये है बड़ी पुल जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे ही आप बड़ी पुल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आप सामने जो देखने को मिल रहा है, चलिए मैं आपको पास में जाकर दिखाता हूँ ये क्या है। बाहर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है।
गाइस यही है स्टेट म्यूजियम चित्तौड़गढ़, जिसमें कि राजा लोगों की तलवारें, भाला, बंदूकें और नाल जैसे बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलिए इसके अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके पहले आप लोगों को यहाँ पर एक टिकट लेनी पड़ती। चलिए मैं यहाँ पर टिकट यहाँ पे दो टिकट का 40 रुपये देना पड़ता है, जो कि एक टिकट का 20 रुपये। तो मैंने यहाँ पर दो टिकट ले चुका हूँ। टिकट यहाँ पर देखते कुछ इस प्रकार का होता है, बाहर से कुछ इस पार से देखने में। चलिए अंदर चल के देखते हैं। गाइस जैसे आप लोग गेट से इंटर करेंगे, उसके अंदर आपको शीशे के अंदर यहाँ पर इस पार से म्यूजियम में ये सबसे पहले क्या है, 3D मैप बना रखा हुआ, जो कि ये किले का मैप है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं, हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप के किले में। और गाइस यहाँ पर अस्त्र शस्त्र जो कि पुराने आप लोग दिख रहे हैं इस पार से लगे हुए। चलिए मैं इनको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको बेटर बताने की कोशिश करूंगा। गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। और गाइस और भी रूम है जिनमें कि पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, तलवारें, भाला और ढाल वगैरह, ये जो बंदूकें रखी हुई हैं, जिनको मैं आप लोग बताने की कोशिश करूंगा बेटर तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना, जिससे कि आप लोगों को पुरानी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके और आप लोग पुरानी चीज़ों को देख पाएंगे और आप लोग उनका आनंद भी उठा पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एंड लास्ट तक जरूर से देखें। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा पाषाण काल के औजार रखे हुए हैं। यहाँ पर बोर्ड भी रखा हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं अस्त्र शस्त्र दीर्घा कुछ इस पार से है, इसके अंदर अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कुल्हाड़ियाँ कुछ इस पार से रखी हुई हैं पुरानी, जो कि राजा लोग यूज किया करते थे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के बाण रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ इस पार से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ इस पार से ये मैन सैनिक हैं और इनके पीछे एक भाला लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाला भी बहुत भारी है, जो कि बोला जाता है 1 क्विंटल के आसपास ये भाला लिए खड़े हुए हैं। और इसके यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं पुराने जो भाले हैं बगल में रखे हुए। इस औजार को देखने के बाद बहुत सारे लोग इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, बट ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये परस एवं इसको जागनौल भी बोलते हैं। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है रखा हुआ है, भीड़ चीर एवं भाला शीर्ष कुछ इस पार से आपको देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देता हूँ। रूम में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ ये रखा हुआ है, चलिए मैं इसको बताता हूँ क्या है, गेड़िया एवं आशा कुछ इस पार से देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इस साइड में चलिए देखते हैं, इस साइड में जो कि रखा हुआ है गुर्ज एवं अंकुश, ये देखिए कुछ इस पार से है। और जैसे आप लोग नेक्स्ट रूम में जाएंगे तो चलिए वहां पर भी देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। ये है पट्टा तलवारें कुछ इस पार से, तलवारें पट्टा रखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अगर इसके बारे में पता ना हो तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं इन्हीं के बारे में, जो कि लिखा गया है। और इसको बोलते हैं ढाल एवं तलवारें, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ इस पार से ढाल है, ढाल है मतलब, और ये तलवारें हैं। तलवार चलते तो हाँ, जैसे कि अपने बचाव के लिए यूज किया जाता था ना, वही इसको बोलते हैं ढाल तलवारें। और ये भी ढाल एवं तलवारें हैं कुछ इस पार से, जो कि पुरानी थी। और इसे बोलते हैं तलवारें एवं नागफना खाड़ा। नेक्स्ट रूम में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तोड़दार बंदूकें कुछ इस बार से आप लोग देखते हैं। ये है तोड़दार बंदूकें, जो कि पुराने जमाने में यूज की जाती थी। चलिए मैं पास से इनको दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ पर पीछे भी बंदूकें कुछ इस बार से रखी है तोड़दार बंदूकें, यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी यार किस प्रकार से देखने को मिल रही। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बट यहाँ पर जो है सेम ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो रखी हुई है बंदूकों की नाल, देखिए किस प्रकार के हैं। और ये है महाराणा प्रताप जी, जो कि आप लोग देख रहे हैं क्या भाला लिए हुए खड़े हुए हैं, जो कि इनकी आंखें मैं दिखाता हूँ, लग रहे हैं कि रियल में देख ही रहे हैं इस तरफ। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर राइफल रखे हुए हैं, टोपीदार बंदूकें रखी हुई हैं, और इसके साइड में कुछ राइफल रखे हुए हैं, ये रखे हैं संगीन एवं ढाइल इनको बोलते हैं। चलिए इसको पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। और इसके बगल में बंदूकों की नाल, इसको बोलते हैं बंदूकों की नाल।
और गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट रूम में जाएंगे तो यहाँ पर एक बारूददारियाँ कुछ इस पार से देखने को मिलती है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस पार से देखने को मिलेगा। तो इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है जो कि पुराना ही है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल वगैरह शायद है। चलिए मैं आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं, टोपीदार पिस्टल रिवॉल्वर कुछ इस पार से होते थे जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इस तरफ भी रखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं क्या है, बंदूक की नाल। पहले देखेंगे ना, इसको तो आप लोग पहले देख भी चुके हैं, बंदूक की नाल। और यहाँ पर भी आप ये देख चुके हैं, ये क्या तलवार है, संगीन एवं ढाल, ये देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट जगह चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। जैसे आप लोग नेक्स्ट रूम में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ढाल एवं कटार कुछ इस बार से रखी हुई है। कटार आप लोग देखते हैं किस प्रकार की होती थी पुराने ज़माने में, क्या ही है लग रही है। अगर किसी के पेट में घुसा दी जाए तो आर पार हो जाएगी, आदमी तुरंत खत्म। और इस तरफ ये क्या रखा है, जागनोल दाव एवं परसु, देख सकते हैं इस प्रकार का है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट रूम में, यहाँ पर ये क्या रखा है, जहांगीर कालीन कवच कुछ इस बार से होता था, ये आप देख सकते हैं। और ये है जिरा बख्तर, देख सकते हैं कुछ इस बार से कैसे आइए, और इसको कैसे पहनते हैं चलिए मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस बार से पहन के खड़े होते थे, कितना खतरनाक ही लग रहा है। ये देखिए, और ये है हेलमेट जो कि आप लोग बाइक वाले बिल्कुल मत सोचना, इनको सैनिक लोग यूज किया करते थे पुराने जमाने में, जिससे कि भाला भी पार नहीं कर पाता था। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको जो पुरानी अस्त्र दिखा रहा था वो इसी के अंदर आपको मैं दिखा रहा था, तो आप लोग देखते हैं कुछ इस बार से बना हुआ है जो कि मैं आप लोग इसी के अंदर दिखा रहा था। चलिए मैं आप लोग नेक्स्ट जगह चल के दिखाता हूँ वहाँ की चीजें। और गाइस अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोग बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं विजय स्तंभ, चलिए वहाँ का किला भी देखते हैं। गाइस यहाँ पर आप लोग आ चुके हैं विजय स्तंभ के बाहर। गाइस यहाँ पर आप लोग हैं, इसके अंदर अभी विजय स्तंभ है जहाँ पर मैं आप लोग चल के दिखाने वाला हूँ। चलिए वहाँ पर देखते हैं वहाँ का नज़ारा। ये है इसका प्रवेश गेट। सो गाइस वहाँ पर जो अब आपको सामने देखने को मिलता है यही है विजय स्तंभ, चलिए इसको पास से देखते हैं। ये है विजय स्तंभ जो कि 9 मंजिल का बना हुआ है। चलिए मैं इसको पहले आपको जूम करके दिखा। लॉकडाउन से पहले आप इस पे 8 मंजिल तक जा सकते थे, लेकिन अब इसके ऊपर जाने की रास्ता बंद कर दी गई है। जब राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी गुजरात के अहमद शाह को हराया था तब उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। इंटर करेंगे तो आपको इस बार से देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये इसका प्रवेश गेट है, और गाइस यहाँ पर भारी मात्रा में टूरिस्ट लोग आते हैं। गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये जो पीछे आप लोगों को लोग देखने को मिल रहे हैं ये टूरिस्ट लोग हैं, और गाइस यहाँ पर विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं जो कि आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोग बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों और भी चीज़ें यहाँ की जो कि देखने में बहुत ही अच्छी होने वाली है, जो कि अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे ही। गाइस इसके नीचे है गौमुख कुंड जहाँ पर रानी पद्मिनी नहाने के लिए आया करती, और यहाँ पर बोला जाता है कि पानी कभी बंद ही नहीं होता, हरदम चला करता है नेचुरली, यानी कि चाहे गर्मी बरसात जो भी सीजन चलता हो लेकिन यहाँ पानी गिरता रहता है गाय के मुंह से। यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं ये गौमुख कुंड है जो कि आप लोग देखते हैं, और गाइस इसमें जो है कि मछलियाँ पड़ी हुई हैं इनको आप लोग चुनाने भी आते हैं जो कि चने वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर की ओर जो लोग हैं चुना रहे हैं इन मछलियों को। वो जो आपको साइड में नीचे को देखने को मिल रहा है वहीं पर है शिवलिंग, और वहीं पे है गाय कंबुक जहां से पानी हरदम गिरा करता है। कुंड में पानी बहुत ज्यादा था इसीलिए मैं जो गाय के मुंह से पानी आता है और जहां पर शिवलिंग है वहां पर नहीं जा पाया। ये जो आप लोग देखते हैं ये अदर कंट्री के हैं जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग जो पीछे देख रहे हैं विजय स्तंभ, और गाइस अभी चलने वाले हैं काली माता के मंदिर, चलिए वहां पर चल के आप लोगों को वहां का भी वीडियो दिखाते हैं।
ये है काली माता का मंदिर जहाँ पे हम लोग आए हैं दर्शन के लिए। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पीछे आप लोग देखने को मिल रहा है ये काली माता का मंदिर है। और गाइस ये भाई भी मेरे साथ है जो कि हम लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। सो गाइस ये काली माता का मंदिर है, चलिए मैं इसके अंदर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं मंदिर के अंदर आप लोग जैसे आएंगे तो कुछ इस पार से नजारा देखने को मिलेगा मंदिर के अंदर का। और गाइस वो देखते हैं वो काली माता का मंदिर है जहाँ की मोबाइल ले जाना बिल्कुल ही मना है, जैसे कैमरा मोबाइल वहाँ उसके अंदर ले नहीं जा सकते हैं। गाइस हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिए हैं और गाइस वहाँ पर प्रसाद के तौर पर पंडित जी ने मुझे ये दिया है जो कि आप लोग देखते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े रानी पद्मिनी महल जहाँ पर रानी पद्मिनी रहा करती थी। तो काली माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं। आ चुके हैं पद्मिनी महल, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाने में सही रहेगा और बेस्ट चीज़ें हैं। गाइस अगर आप लोग ऊपर से इस महल को देखेंगे तो कुछ इस पार से देखने को मिलेगा। गाइस इस महल को राजा ने तोड़ दिया था, तोड़ा किस लिए था चलिए मैं आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगा। चलिए मैं दिखाता हूं जहां पर रानी रहा करती थी। ये जो आपको पानी में महल बना हुआ दिख रहा है ये रानी पद्मिनी का है, जहाँ पे बोला जाता है कि राजा रानी रहा करते थे गर्मियों के टाइम पे 4 महीने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई बिजली का साधन था नहीं, इसीलिए ये जल में महल बना हुआ है जहाँ पर राजा रानी बोट से आया जाया करते थे। इतने बड़े किले का खंडर होने का राज क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब राजा रतन सिंह और दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जिस रानी के लिए युद्ध हुआ था रानी पद्मिनी ने अपने पति के मरने के बाद उन्होंने आन बान शान कायम के लिए जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी राजा को गुस्सा आया कि जिस रानी के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध किया और वो मिली नहीं। तभी गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को तोड़ फोड़ करके खंडर बना दिया। गाइस पद्मिनी महल घूमने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर राजस्थानी कपड़ों के पास। गाइस यहाँ पर आप लोग इसने राजस्थानी कपड़े किस पार से मैंने सोचा आपको दिखा देते। गाइस यहाँ पर आप देखते हैं घोड़े और ऊंट खड़े हैं। गाइस अगर आप लोग घोड़े के ऊपर बैठ रहे हैं तो आप उनसे रुपए पूछ के बैठना, नहीं तो वो टांग उठाएगा 20 रुपए और पूछ उठाई तो भी 20 रुपए ले लेंगे। और हाँ अगर आपने घोड़े के साथ 5 फोटो क्लिक कर ली तो आपसे वो 100 रुपए ले लेंगे। इसीलिए मैं ऊंट पे बैठा था क्योंकि ऊंट पे बैठने के 20 रुपए थे और आप फोटोज वीडियोस ले सकते थे। यहाँ पर आप देखिए ये मैंने वीडियोस बनाया था और मैंने फोटो भी क्लिक की थी जो कि मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट की है। सो गाइस पद्मिनी महल को घूमने के बाद हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और सो गाइस ये जो मेरे साथ भाई है इन्हीं ने मुझे पूरा किला और महल वगैरह सब कुछ दिखाया है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये बाइक से अपने मुझे सब कुछ दिखाया है। तो गाइस इनके लिए एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो।